बोलो नहीं, सुबह को आठ भैया परसों में आया था, इसे बहुत भयंकर ये एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया और सर में लगी हुई है, घुटने में लगी हुई है। ये रोड से करवाओ, बहुत परेशानी होती है इस रोड से। आज भी बारिश में क्या हालत है सर? बारिश में तो नहीं हुआ, बिना बारिश की बात है ये तो। बारिश के अंदर आइडिया पड़ता ही नहीं है रोड का। बताइए, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। हाँ, ये अशोक नगर गली नंबर एक पे सड़क से खड्डा हो गया बारिश से, और अभी तक उसका कोई सुचारू रूप से उसका प्रबंध नहीं हुआ, और रोज हादसे हो रहे हैं। आज सुबह भी हादसा हुआ है, इतना गजब का, जो आदमी हड्डियां टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, माथा फोड़ दिया, और ये भाई साहब 3 दिन पहले यहाँ फ्रैक्चर हुआ। आपने क्या प्रबंध करें यहाँ से बचने? अब आप इसका ये लगाया है, देखो ये हमने ये हांडी लगाई है और स्टॉप लिखा है इस पे, बाटे लगा के बांस लगाया है इस पे लकड़ी का, और ताकि आने जाने वाले को थोड़ा नॉलेज पड़े कि हाँ भाई ये खड्डा है, ध्यान से निकाले। कौन सा वार्ड नंबर? कौन सा वार्ड नंबर? 34 है और नया जो 38 34 है नया, और पुराना 38 है। आपका नाम बताइए? गुमानमल मोदी। ये यहाँ पे गली नंबर एक और दो के सामने की तरफ में ये गड्ढा इतना बड़ा हो चुका है ये बारिश के कारण, और इससे रोज हादसे हो रहे हैं, और प्रशासन या कोई भी जिनको भी हम दिखाते हैं आके देख जाते हैं और कुछ करना चाहते हैं नहीं। इसके लिए हमने सामने की तरफ में कुछ लगाया, कम से कम दूर से किसी को पता चले। बरसात का पानी आता है, किसी को पता नहीं चलता है, उतनी रास्ते की ये पोजीशन हो रखी है, और रोज हादसे हो रहे हैं। रोज डेली इधर हादसे हो रहे हैं? बिल्कुल साहब, रोज डेली हादसे हो रहे हैं, प्रशासन बिल्कुल देख नहीं रहा, आके देख जाते हैं और करने का कुछ भी काम नहीं है उनका। तो थोड़ा सा इसके लिए प्रशासन जागे और उसको ठीक कराने की कोशिश करें। अच्छा, तो ऐसे में आपने क्या लगाया है जो खेतों में लगाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पुतला लगाया खेतों के अंदर लगाते हैं, ताकि दूर से किसी को आदमी को पता चल जाए, कम से कम कोई हादसा होने का चांस नहीं हो, स्पीड को कंट्रोल में कर लें। तो क्या मांग करते हैं जल्द से जल्द? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको जो टूटा फूटा जो रास्ता हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक करें, गड्ढे को सुचारू रूप से जैसी पोजीशन से पहले रोड थी उसको ठीक कराने की कोशिश करें, ये चाहते हैं। ये कम से कम इसको करीब करीब 2 साल 3 साल करीब करीब हो चुका है, और ये गड्ढा बैठता ही जा रहा है। इसमें कितनी दफ़ा भर्ती भी करवा दी, पर वो नीचे की तरफ में जैसे पानी जाता है बरसात में, और ज़्यादा वापस से गड्ढा होता चलता है। कौन है यहाँ का पार्षद? ये पार्षद यहाँ पे महेंद्र राव है साहब, यहाँ पे महेंद्र राव। कभी उसका शिकायत थी? शिकायत साहब अभी करी है, उन्होंने कहा कि साहब वो गली के अंदर रोड बन रही है तो उधर से बनती हुई आएगी, तो उस समय हम इसको ठीक करवा देंगे। तो अब रोड पता नहीं, रोड का काम अभी बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं कब। इससे बढ़िया कम से कम एक दो कोई टोली है मलबे की, कुछ डलवा दे उसको ही लगवा दे, तो कम से कम उससे कोई हादसे का विषय तो नहीं हो। क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रही है सर? वो साहब प्रशासन तो ये सोच रहा है कोई एक आध हादसे बड़े होंगे, उसके बाद में प्रशासन जगेगा। नाम बताइए। गोविंद दादी।